The next topic is objectives of constitution. Objectives means what are the aim of. Here it is, the constitution aims at the securing justice, liberty and equality and fraternity. So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एम क्या है, लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का. फर्स्ट वन इज जस्टिस. जस्टिस मतलब क्या है? देयर मस्ट बी जस्टिस फॉर ऑल. सो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था. जस्टिस मीन्स देयर इज थ्री टाइप ऑफ जस्टिस आर हियर. जस्टिस मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, मनी, पोजिशन एक्सेट्रा. कोई फर्क नहीं है, सभी इक्वल है. कोई करोड़पति किसी को मारा और जो नॉर्मल पीपल किसी को मारा है, दोनों को सजा सेम ही होगा. सो दैट इज वाई ऑल आर सेम जस्टिस. सो सोशल जस्टिस, सर समूह में हमारा सोशली जस्टिस सेम ही है. एंड इकोनॉमिकली जस्टिस, जो किसी को सोशली कोई फ्रीडम मिलेगा तो वो सेम ही होगा. इकोनॉमिकली कोई कुछ दे रहा है तो वो सभी को सेम दे देंगे. एंड पॉलिटिकली आपको पता है पॉलिटिकल रूल मेडिसन से वो सेम ही है. एंड इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ऑल एंड ईच एंड एवरी पर्सन को. 18 ईयर्स हो गया तो सभी को हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. आज से कैंडिडेट और आपको वोट करने के लिए दोनों आपको कर सकता है. देर इज़ नो डिफरेंस. जो रिलीजन कोई कास्ट में है, कोई रिलीजन में है, इकोनॉमिक एंड स्टेटस जेंडर में है और एजुकेशन देखकर या नहीं है, बट वी कैन गेट ऑल इक्वालिटी. इट मीन्स जस्टिस इन फ्रंट ऑफ द लॉ ऑल आर इक्वल. दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पोलिटिकल जस्टिस विल गेट. And next one is liberty. Liberty means freedom. You can enjoy the freedom of enter the India. Every individual must have a liberty to enjoy basic rights and guaranteed by the constitution. Though rights and rules and rights and duties आपको पता होगा, इंडिया में आपका fundamental rights and duties है. वो rights and duties सभी को equally होगा. It will be get if completely freedom for all the people. कोई restriction वगैरह आपको नहीं होगा. So they have to freedom through the expression. If you have to say something to against और कोई government कोई गलत करे, वो उसके लिए आपको बोल सकता है. और आपका बिलीव, जो कोई कौन सा रिलीजन में, विच रिलीजन यू आर बिलीविंग, यू कैन बिलीव इन दैट रिलीजन. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द रिलीजन, दैट ऑल्सो पॉसिबल. एंड फेथ, वर्शिप, आपका विश्वास क्या है, दैट यू कैन बिलीव यूर ऑन your thought, आपका expression कर सकता है. That all the you almost all things you will get a freedom. So liberty means entire freedom. Equality, that is also same, just like equality in front of the equality is the citizen before the law. In front of the law all are same. There is no discrimination basis of status, caste, race, gender, religion. इसके कोई फर्क नहीं है. कोई religion हो, कोई पैसा का, उनसे इकोनॉमिकली डिफरेंस है, कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं है. ऑल आर इक्वल. फ्रटर्निटी मीन्स इज अमंग द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. सो कोई कम्युनिटी से आ गया होगा आपने, ये तो बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट यूनिटी, डिफरेंट रिलीजन से होगा, बैकवर्ड कास्ट होगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है. सो फ्रटर्निटी मीन्स ऑल द अमंग द पीपल गेट हु आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज रिलीजन, दैट ऑल एंश्योर द डिग्निटी. सभी को, सभी इकट्ठा कर हमने एक ही राष्ट्र बनकर रखा है. सो इट मीन्स डिफरेंट कास्ट, रिलीजियन, सारा कुछ है, बट we are in one country and unity and integrity of nation. हम सभी हमारा राष्ट्र का unity के लिए और इसका बड़ाई के लिए हम सभी इकट्ठा काम करेगा. That means fraternity. So next one, features of constitution. So for constitution में क्या क्या features है include किया है. Some of the main features are discussing here. First one is a federal system. What do you mean federal system? Federal system means the government is divided to different levels. It means entire country rule kar rahe central government.
हमारा केंद्र गवर्नमेंट नाउडेज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट यू नो नरेंद्र मोदी इज रूलिंग बीजेपी इज रूलिंग सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रूलिंग एंटायर कंट्री सो एंटायर कंट्री पूरा वो रूल करने के लिए सभी जगह पर वो नहीं पहुंचेगा. दैट इज़ व्हाई द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन द स्टेट लेवल. उसका नीचे वाला लेवल है स्टेट लेवल. सो स्टेट लेवल में डिवाइड किया है एंड अगेन इट इज डिवाइडेड वन मोर लेवल इज देयर बट इट इज़ नॉट मेंशन हियर. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायत होगा म्यूनसिपालिटी होगा कॉरपोरेशन होगा दैट इज द थ्री थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. सो फेडरल सिस्टम मीन्स फॉर द ईजिली रूलिंग रूल करने के लिए इसी के लिए गवर्नमेंट इट इज़ डिवाइडेड टू और मोर लेवल्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये थ्री लेवल्स से डिवाइड किया है. एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स आपको पता है लोकसभा एंड राज्यसभा है और द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ MLA होते हैं MP होते हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. प्रेसिडेंट इज़ द हेड. सो ये सारा कुछ इंक्लूड किया है इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पार्लियामेंट होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन लिख कर रखा है. इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशन. सो कंपेयर विद द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिखकर रिटन नोट है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन. एंड नेक्स्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप. सो सभी को सेम सिटीजनशिप है. सो अपर कास्ट सिटीजन वैसे कोई डिफरेंस नहीं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप. इट मीन्स दैट पीपल आर सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नॉट फॉर दैर इंडिविजुअल स्टेट. कोई स्टेट का ये दिल्ली का है पंजाब का है हरियाणा का है वो एक एक स्टेट का सिटीजनशिप नहीं है. एंटायर सिटीजन को कोई सिटीजन है रहते हैं कोई स्टेट में है कोई डिफरेंस नहीं है सभी को एक ही सिटीजनशिप देते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट यू नो इजीली जो 18 इयर्स का द सिटीजन हैव 18 इयर्स एंड अबोव दैट पर्सन विल गेट हिज और हर गेट चांस टू elect और वोट कर उसको representatives को select कर सकता है. That is known as a universal adult franchise. So universal adult franchise means 18 years of age has a right to vote, elect their his or her representatives. So last portion organs of government. हमने government का organs कौन सा है. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव मीन्स द पीपल आर सेलेक्टेड बाय अस. जो हमने वोट कर सेलेक्ट किया ना MLA और MP दैट पीपल आर नोन एज लेजिस्लेटिव मेंबर्स वो राज्यसभा लोकसभा में बैठा है. नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मीन्स जो लेजिस्लेटिव मीन्स लॉट ऑफ अराउंड लोकसभा में 545 मेंबर्स है जो 500 में सभी को हमारा कंट्री पूरा रूल करने के लिए नहीं कर सकता. सो द लेजिस्लेटिव पीपल विल सेलेक्ट सम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सेलेक्ट करेगा. दैट पीपल आर नोन एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर्स एंड अदर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को. सो दीज पीपल आर नोन एज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स. सो MLA MP all elected members means member of panchayat also that is the legislative members. unme se humne special people ko select karega executive members ko select karega jo mantriyon hai prime minister vice president president vice president governor governors ye sabhi ko select karega. they people are known as executive members. and the third portion is judiciary. judiciary means supreme court high court and lower court. three type of courts are here. so the biggest court is the supreme court is ultimate governor and iske niche hoga baki high court. high court means ek state ka sabse bada court hai high court and iske niche state wise district wise court bhi hai. so supreme court is the ultimate guarantor of the fundamental rights and the supreme court is always protecting the constitution. If anyone is against our fundamental rights, the person can directly go to Supreme Court for getting the freedom. So fundamental rights
इट मीन्स द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स है, दीज राइट्स आर गिविंग, हम लोगों को जो देते हैं फ्रीडम देते हैं, 6-7 फंडामेंटल राइट्स आर देर एंड 11 ड्यूटीज आल्सो देर, ड्यूटीज मीन्स यू हैव टू डू फॉर इंडिया, हमारे कंट्री के लिए ये करना पड़ेगा, सो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज शुड बी फॉलो ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया. डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या पॉलिसीज बनाया है, दे शुड बी फॉलो ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस कुछ करना है, अमेंडमेंट मीन्स मेकिंग ए चेंज, कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी टाइम मीन्स अंबेडकर एंड टीम ड्राफ्टिंग कमेटी बना कर रखता है, इसमें कोई चेंजेस हो गए तो उसका कहते हैं अमेंडमेंट. आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड प्रोविजन मेड, सो इसके बाद में एक रूल बनाया है, हमने कोई चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करना तो कर सकता है, इसको कहते हैं अमेंडमेंट कहते हैं. सो मेनी टाइम्स वी आर चेंज्ड सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस, सम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर एडेड, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस रिमूव्ड, सो उसको कहते हैं अमेंडमेंट. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर.